हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली खान छोटू। है गाइस, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। मेरी दुआ हमेशा आप लोग के साथ है। हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन, बेभरा, किराक, ज़बरदस्त, आसान सा सवाल लेके आया हूँ हैदराबाद के आवाम के बीच। आज का हमारा सवाल है, फलकनुमा पैलेस कौन बनाने लगा है, उनका नाम बताना है और कब बनाए ये भी बताना है। अब प्रेजेंट ओनर कौन है, ओनर का नाम बताना है, जब जाके विनर बनते। आज के वीडियो के स्पॉन्सर है हमारे फारूक भाई, माशाल्लाह कई सालों से आवाम के बीच खिदमत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। कितना प्यारा शोरूम है आप देख सक रहे हैं, आप देखिए आप। तो यहाँ पर अपन भाई से पूछेंगे ब्रांचेस कितने हैं यहाँ पर आप लोगों के। भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाश्ते में क्या खाए साहब? नाश्ते में देखिए डोसा खाया था साहब। अरे डोसा बसता साहब, ये डोसा इडली वाला खाया साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, इरफान भाई आपके टोटल कितने शोरूम थे? टोटल 14 है भैया, 14। हाँ 14 के किधर किधर है हमारे फ्रेंड्स को आप बोल डाले तो जी। एक टोली चौकी पे, एक किशन बाग, मनीन कुट्टा, ये चांद मीनार पे एक है, और ये आदमगढ़ पे है, अट्टापुर, अट्टापुर 100 पिलर नंबर 100 वहाँ है, और शेखपेट पे है, बाजार घाट है, एक ये फलकुमा है माशाल्लाह जी, कोटी है, किशनबाग है, किशनबाग है, कोटी है, मेरे पास रोटी है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा शोरूम है। तो गाइस आप लोग एक बार विजिट करिए आप लोग। जीरो से लेके जंबो फैमिली पैक भी यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी वैरायटी है भाई, एक बार जब तक आप लोग आएंगे नहीं तो आपको कपड़े की परख मालूम होंगे नहीं, ठीक है? एक बार आना, आके अब अपने हाथों से 99, 49, 39, 15, 20, 75, 80, 99, 199, 249, खाली ये रेट है, रेट आए खाली, धमाका ऑफर, रेट गिरेगा माल लुड़गा। सुकून से बहुत आसान सा सवाल लेके आया हूँ मैं ओल्ड सिटी के आवाम के लिए, ठीक है? ये फलकनुमा जो पैलेस है जी, अब प्रेजेंट ओनर कौन है, उनका नाम बताइए। नहीं मालूम मेरे। मुश्ताक भाई का वलीमा मालूम रहता भाई को। अच्छा एक सेकंड भैया, कुछ गलत नहीं है, आइए एक सेकंड आप तो भाई। फलकनुमा जो पैलेस है ओनर कौन है, प्रेजेंट उनका नाम बताइए। लखो तो नहीं मालूम, फंक्शन आज जो जो हुए वो मालूम है। हाँ के तो ओनर मुकरम जाई है शायद। क्या बात, मुकरम जा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही जा रहे आप। जी भाई मुकरम जा, जी मुकरम जा है। अब निज़ाम के बाद तो उनका ही चल रहा पीरियड अब। बिल्कुल बिल्कुल, मुकरम जा मीर उस्मान अली बादशाह के पोतरे, 99 ईयर्स पे लिस्ट पे दे डाले। क्या दिए? फलकनुमा पैलेस। ओके, एक सवाल का सही जवाब दिए। क्या नाम आपका? फारूक अहमद। फारूक भाई माशाल्लाह सही जा रहे आप। और सेकंड सवाल है, फलकनुमा पैलेस कब बना? इसकी डेट तो याद नहीं है भाई। कोई बात नहीं, किसकी सदारत में तामीर हुआ? निज़ाम की। गलत। मीर उस्मान अली बादशाह। अरे भाई मीर उस्मान अली बादशाह से पहले बना सो है, उसका आइडिया नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत, मिलके खुशी हुई। फलकनुमा पैलेस के मकानदार कौन है? नहीं मालूम मेरे को। प्रेजेंट ओनर ओने की भाई, ओने की भाई। फलकनुमा पैलेस बताइए। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार कौन से कुमार? दिलीप कुमार कहते भाई। नहीं अपनी बहुत पुराने की जमाने की बात है ये तो अभी मालूम करने की कोशिश भी नहीं करे। नहीं करे नहीं करे सब। क्या नाम आपका? हरी। हरी हरी है ना। अब प्रेजेंट फलकनुमा पैलेस के ओनर कौन है? अभी ताज कृष्णा, ताज कृष्णा वाले ले ली से उसको अभी तो। वो तो लीज पे लिए हुए है, लीज पे लिए हुए से वो। उसके ओनर कौन है? ओनर तो इतना है नहीं मालूम भाई साहब। निज़ाम का बोल के सुना। फलकनुमा पैलेस अब प्रेजेंट ओनर कौन है, उनका नाम बताइए। वो तो ओनर मुकरम जा है जी। मुकरम जा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, पहले सवाल का सही जवाब दिया आप। सेकंड सवाल है मेरा, ये फलकनुमा पैलेस जो है किसकी सदारत में तामीर तैयार हुई? वो तो आइडिया नहीं है। वो नाम बोलना
पलक नुमा पहले ढूंढ है जी। हाँ उन्दे उनर पेड़ चे वन पर आवन है मालम। पैलेस का क्या नाम है? ये क्या नाम है कि उतना आइडिया नहीं है। अरे वो पैलेस का नाम पैलेस ही बोलते हो पलक चौला पैलेस। अभी यहाँ खुली है ऐसा दिख रहा आपका नहीं मालूम पक्का कुछ भी नहीं कर सकते आप नहीं मालूम बोल रहे शुक्रिया बोल रहे ना चौला पैलेस पैलेस पैराडाइज बोलते हैं पैराडाइज भाई मैं माफी चाहता हूँ निजाम सरकार है मकानदार फलकनुमा पैलेस के हम मुकरमजा साहब है बहुत अच्छी बात है यहाँ पर है देखो साहब गुड आंसर जबरदस्त पहले सवाल का सही जवाब दिया साहब क्या नाम आपका मोहम्मद बुरान कुरैशी बुरान कुरैशी साहब अब ये बोलिए मेरे को फलकनुमा पैलेस किसकी सदारत में बना निजाम सरकार और थोड़ा सोच के बोलो सुकून से बोलो अपन को तो इतना ही मालूम भाई जैन गारमेंट्स बोल के वहाँ पर आपको पूरी फैमिली की शॉपिंग फ्री है जवाब दिए तो ये जो फलकनुमा पैलेस देख रहे हैं आप ये फलकनुमा पैलेस के ओनर का नाम बताना है निजाम के ज़माने में बने बोल के हम ना सुने बस निजाम के ज़माने अब ओनर कौन है उनके ओनर तो नहीं है 99 ईयर्स का लीज चल रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट तो लीज को दिया हुआ है और उसके ताज वाले के उसमें चल रहा है ये अब 99 ईयर्स तक वो रेंट पे करते रहेगा तो उनका ही रहेगा 99 ईयर्स तक अगर 99 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद दूसरे को दिए तो चांसेस रहते हैं अब प्रेजेंट ओनर कौन है ओनर का नाम बताइए नहीं भैया नहीं मालूम उनका नाम तो नहीं मालूम मगर वो दूसरे जने लिए बोल के सुने हुए हैं दूसरे जने लिए सही बात है ओनर का नाम बताइए अब किसकी अंडर में है वो मुकरम जागी है ना बहुत अच्छे सही जवाब पहले सवाल का सही जवाब दिया आप मीर उस्मान अली बादशाह के पोतरे मुकरमजा पे दिए ना वो गुत्ते पे दिए कि कहीं पे दिए कि हां ओनर थैंक यू में दिए होंगे अपने को समझ अपन क्या पूछे आपको ओनर कौन है मुकरमजा है बहुत अच्छी बात है और सेकंड सवाल फलकनुमा पैलेस कब बना हम तो देखिए हमारे दादा के दौर से देखते हुए आ रहे हैं दादा बाबा के दौर से बोले आप बोलिए तकरीबन यानी 80 साल पहले बना सर किसकी सदारत में तैयार हुआ वो मुकरम जा की सदारत में गलत निजाम उस्मान अली जी आप बोलिए निजाम नहीं 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 गलत माशाल्लाह बहुत पुराने खदीम हैं आप दो से इडली डालने में हाँ नसीर भाई हाँ मैं एक सवाल करता हूँ उसका जवाब देना है आपको जी बोलो ये फलकनुमा पैलेस जो है ना फलकनुमा पैलेस के ओनर का नाम बोलना है आपको भी नहीं मालूम हाँ नहीं मालूम क्या मालूम आपको दोशा इडली मालूम खाली दोशा इडली मालूम रसीर भाई की जिंदगी दोशे पे शुरू है उपमे पे ख़त्म है फलकनुमा पैलेस जी जी ओनर कौन है उनका नाम बताना है ओनर नहीं नहीं मालूम है साहब आप बोलिए पैलेस के ओनर तो मुकरम जाई से और कौन है बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जवाब दिया पहले सवाल का भाई आपके मुंह में कच्चे कहते में बाबा छिटा है क्या साहब जी माशाल्लाह माशाल्लाह तो कब बना साहब वो तो हमारे बचपन में ही बना था साहब पहले रेलवे का ट्रैक था वो पैलेस जो बना ना जब वो हुकूमत तो देखो साहब हमारे बचपन में तेलुगु देशम थी जब अरे शुक्रिया साहब कोशिश करने के लिए कब बना साहब नहीं मालूम सर कौन बनाने लगा कुछ भी नहीं मालूम भी ना कुछ थैंक यू सो मच सर सब भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सब ये जो फलकनुमा पैलेस जो है जी जी अब प्रेजेंट ओनर कौन है उनका नाम बताना है आपको अरे भाई अली खान छोटू बराबर शुक्रिया साहब जजाकल्ला अली खान छोटू है ये चैनल जी देखते क्या वीडियो आप जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है सवाल रहते हैं आपके शुक्रिया बहुत नॉलेज में इजाफा हो रहा है आप लोगों शुक्रिया साहब शुक्रिया जजाकल्ला तो सवाल का जवाब दीजिए साहब ये जो फलकनुमा पैलेस है जी जी फलकनुमा पैलेस के प्रेजेंट ओनर कौन है उनका नाम बताना है वो कोई अरे परसों गुलदारोस के चैना होना लेके गए नहीं क्या नाम है उनका गुलदारोस पे चैना बेचे अरे वो गुलदारोस के जो चैना लगे हुए थे ना राउंड कहाँ पे थे चैना गुलदारोस के राउंड लगे हुए थे चैना नहीं थे भाई एक चैन थी मोटी मोटी चैन ही राउंड थी वो एक जगह लगे हुई नहीं थी भाई तो वो चैन क्या मैं चैन का थोड़ी कर रहा हूँ सवाल वो उनका नाम नवाब कोई नवाब है नो मुकरमजा है क्या मुकरमजा माशाल्लाह माशाल्लाह सही जवाब दिया आप पहले सवाल का मुकरमजा
मीर उस्मान अली बादशाह के पोतरे, ठीक है। अब प्रेजेंट क्या है मालूम, फलकनुमा पैलेस के ओनर मुकरम जाए। सेकंड सवाल है साहब, कब बना, कौन बनाने लगा है, किसकी किसकी निगरानी में, सोच के जवाब दियो, सुकून से दियो, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आ रहा है। गाड़ी में भी माइलेज अच्छा देती गाड़ी, जी जी, मैकेनिक सही मैकेनिक ने आप गाड़ी बना रहे। ये 1700-1800 ईस्वी में कुछ 80-90 के दरमियान कुछ 80-90 आप बोलो साहब, वही 80-90 के दरमियान में। क्या 80-90 में कुछ समझ में, 83 या 1894 ऐसा कुछ, 83। क्या बोल रहे हैं, 1839 में सुना है, 1839 हाँ, ऐसे चलो सुना है, सो कहा है, चलो बहुत अच्छी बात है आपको। 1892-94 के दरमियान है, 93-94 के दरमियान। माशाल्लाह माशाल्लाह, 80 से 93 के दरमियान वो कंप्लीट हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। सेकंड सवाल का भी सही जवाब दिया आप, 1893 में बना फलकनुमा पैलेस। अब प्रेजेंट ओनर कौन है वो भी बता दिया आप, मुकरम जा। थर्ड सवाल है साहब, किसकी निगरानी में बना, कौन बनाने लगा है, उनका नाम बताना है खाली, जब उन्होंने प्रेजेंट क्या थे, ठीक है, जरा सोच के जवाब दियो आप लोग, विनर बन सकते हैं। नवाब सर विखार उल उमर, वो हैदराबाद के प्रेसिडेंट थे। क्या बात है, क्या बोल रहे हैं, विखार उल उमर हैदराबाद के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब उनकी निगरानी में ये तामीर हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बेहतरीन जवाब दिए साहब आप, और कुछ आगे मालूम है इसकी। हाँ सब हैदराबाद के हैं हम लोग, हैदराबाद में पैदा हुए, बाप दादा से यहीं है, तो इतना तो नॉलेज रखना ही पड़ता ना। सुनो साहब, मैं विनर तो एक कुछ बना सकता हूँ, मैं प्राइज एक को दे सकता हूँ, आप लोग डिवाइड कर लेना, 4 को दे लो, 6 को दे लो, ठीक है ना साहब। जी जी शुक्रिया। चलना है, अच्छा चलना, चंद्रान गुट्टा जो ब्रिज बन रहा ना, ये ब्रिज के बाजू में ही छे, ब्रिज उतरते की छे आपको जी, जैन गारमेंट्स जी, ठीक है, चलिए। आपके कपड़े कहाँ साहब, डालो साहब आपके कपड़े, बहुत बहुत मुबारक। मोल साहब माशाल्लाह एकदम बेभरा किराक जवाब दिया आप, आपको अंदाजा नहीं है, सवाल का जो जवाब था आपका बेहतरीन दिया आप। जी शुक्रिया सर, ऐसी सवाल आते रहते, आप लोग ऐसी जवाब देते रहना, इनाम के हकदार बनना, खुशी होती इंशाल्लाह, ठीक है। जैन गारमेंट्स मालूम ना आपको, शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई। ओल्ड सिटी के लोग किराक है बोलते पूरे लोग, ओल्ड सिटी के पास किराकपना क्या रहता, कुछ आइडिया आपको बोलो। ओल्ड सिटी में किराकपना कुछ भी नहीं रहे, बोलिए खाना नहीं खाए क्या नहीं खा, मैं सुबह से बोल रहा हूं, मारे दो टुकड़े हो जाना, सुबह से मैं फिर रहा हूँ उधर, खाना नहीं खाया, वाला हवा में उड़ के जमीन को चाटना, नहीं नहीं उड़ते वाला, बालों पे मत जाइए आप। ओल्ड सिटी के जो सवाल करे आप, वो जो सवाल है आपका, ओल्ड सिटी के लोग किराक रहे थे, ये बना लिए सो गरम खून के रहते, ये बात को मानता हूँ मैं आप। कुछ हैदराबादी और ओल्ड सिटी के स्टाइल में कुछ नया डायलेक्ट बोलो मार्केट में। मेरा एक वर्कशॉप है, मैं एक एडवर्टाइज बोलो तो बोल सकता हूँ, देखो बोलिए साहब बोलिए। आप आए अपने दोस्तों को लाए, अहमद मैकेनिक का एक गाड़ी बनाए, आपका मैकेनिक भरोसा मैकेनिक अहमद मैकेनिक कंदीगल गेट अपोजिट छतरी नाका भरेगा रोड कंडक्ट नंबर 9393048 2। अजी ये सुनिए गाड़ी शान है और ये क्यों परेशान है बेगम, चलो अहमद मैकेनिक के नहीं, अपना मैकेनिक भरोसा मैकेनिक अहमद मैकेनिक। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे विनर है ये, आप लोग जवाब दिए साहब, ये फारूक भाई की तरफ से इनाम, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आप लोग को आज का वीडियो कैसा दिखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है अली खान छोटू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक आईडी अली खान छोटू पेज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। फिर अगले मंडे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल के लिए, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।